गुड मॉर्निंग टू ऑल, तो स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। मैं हूं मंतोष चक्रवर्ती और मैं हूं फिलहाल अपने ऑफिस में। अभी सुबह के बज रहे हैं 9:56 हो रहे हैं, ठीक है, और मैं हूं फिलहाल अपने ऑफिस में और मैंने अभी सारा काम ख़त्म कर दिया, पता है। लेकिन यार एक मूड ख़राब ये हो रहा है, कल मैंने वीडियो एडिटिंग करा था ना, मैं फ़ाइल लाना ही भूल गया। मैंने फ़ाइल ट्रांसफ़र करा था लेकिन ट्रांसफ़र हुआ ही नहीं, मैंने चेक भी नहीं करा। अब यहाँ पे आके देख रहा हूँ कि ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ फाइल। चेकआउट करो भाई, सारा माल रेडी हो चुका है मेरा, ठीक है। ये फ्लिपकार्ट, मीशो, अमेज़न, अभी तक कोई भी नहीं था मेरा। और ये डिलीवरी का, ये डिलीवरी है और ये भी डिलीवरी है, तो ये सारा पैक हो चुका है मेरा। ई कॉम भी नहीं गया अभी तक, ठीक है। और एक्चुअली ये सब क्या पड़ा हुआ है, ये मैंने लास्ट ब्लॉग अगर देखा होगा तो मैंने कुछ क्लेम करा था, जो रिटर्न आते हैं ना कस्टमर रिटर्न, जैसे कि ये ई कार्ड का, तो मैंने क्लेम करा था। अभी मैंने भी वही करा है काम, क्योंकि मेरा सारा काम ख़त्म हो गया तो 9:56 ही हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। सारा हो गया, ये 6 पीस रह गया, ये अभी तक वो वेरीफाई नहीं हुआ है ना, फ्लिपकार्ट वालों से वेरीफाई नहीं हुआ, इसलिए ये क्लेम हो नहीं पा रहा है। अब मैं दिखाता हूँ लाइव प्रूफ क्लेम करने से कितने रुपये मुझे मिले, पहले कितने मिलते थे और कल जो मैंने क्लेम करा ना उसमें कितने मिले मुझे, ठीक है। मैं एक बार दिखाई देता हूँ, तो ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मैं डेट भी दिखा दूंगा, वैसे तो आज है, लोड नहीं हो रहा, आज है 10 तारीख, ठीक है। जिस दिन आप वीडियो देखोगे वो मैं डेट भी दिखा देता हूँ, आज 10 फेब, ठीक है, 9:58। तो मैं कल वाला दिखा दूँ जो मैंने क्लेम करा है, ठीक है। ये चेक कर सकते हो, ऊपर डेट है 9 फेब, कल मैंने क्लेम करा था। अब चेक करो इसका पेमेंट अभी नहीं आया, नहीं ये तो वेरीफाई हो रहा है भाई। हाँ ये रिजॉल्व में जाके चेक करते हैं, अभी देखते हैं कितना। आज है 10 तारीख और 9 फेब का है ना, ये दिख रहा होगा क्लेम अप्रूव्ड, ठीक है। अब क्लेम अप्रूव में दिखा दो कितने पेमेंट मिला मुझे, 125, ठीक है, 125 मिल गया मुझे इस बुक का, एक सिंगल का। 175 का गया था ये, उसमें से मुझे मिल गया 125 रुपीज़। क्लेम करने का ये फ़ायदा होता है, 125 रुपये मिल गए, अब यही फ़ायदा है भाई, थोड़ा बहुत पैसा बचेगा। और पहले मुझे कितने मिलते थे वो दिखाता हूँ मैं एक बार, पहले का है यार, कल मैंने बहुत सारे क्लेम करे थे। अब कुछ ये नहीं सारा अप्रूव हो जाएगा भाई, देखो ये नॉट अप्रूव दिख रहा है, ये नॉट अप्रूव दिख रहा है, ये क्लेम अप्रूव भाई, अप्रूव होते भी नहीं, कई बार वैलिड रीज़न देना पड़ता है, नहीं ऐसे ही रहेंगे नॉट अप्रूव्ड, ये तो अप्रूव हो गया। चलो पहले का दिखाता हूँ मैं, पहले मैंने कब करा था, हाँ ये दिखा देता हूँ, ये वाला 25 जैन देव, फैब 4 का दिखाता हूँ, क्लेम अप्रूव है फैब 4 को। अब इस ये बुक का रेट है 190, अब दिखाता हूँ इसका कितना मुझे मिला है। पहले मैं अप्रूव करता था कितने मिलते थे, 190 का बुक है, 190 में से 49 रुपीज़ मिले, दिख रहा है अप्रूव अमाउंट 49। तो तरीका होता है भाई क्लेम अप्रूव करने का, पहले मैं इस तरीके से अप्रूव कर रहा था, ठीक है, 190 रुपीज़ का, 190 रुपीज़ में सेल हो रहा है उसका मुझे 49 रुपीज़ मिल रहा है, ये रहा 49 रुपीज़। और अब मैंने जो कल अप्रूव करा है, एक ही नहीं सब दिखा दूंगा मैं, ये अप्रूव करा है, ये देखो 175 का है, इसमें मुझे 125, और एक और दिखा देता हूँ, ये भी अप्रूव हो चुका है, ठीक है, वो ये कितने का है, 160 का है, ठीक है, इसमें मुझे 118, और क्या चाहिए भाई। तो अप्रूव होता है, बस तरीका आना चाहिए, मतलब अप्रूव करने का। तो वही काम कर रहा था मैं यहाँ पे, ये काम ख़त्म हो गया मेरा, सारा पैकिंग भी ख़त्म हो गया, थोड़ा बहुत फैक्ट्री से माल लेके आना है, वो अलग बात है, दोपहर को देखा जाएगा। एडिटिंग मैं कर लिया था लेकिन फाइल ला नहीं पाया, पर 10 बजने वाले हैं मुझे, 8:30 बजे मेरी वीडियो हमेशा आ जाती है, मैं शेड्यूल पर लगाता हूँ, लेकिन आज लेट हो गया पहली बार, तो मैं जा रहा हूँ दोबारा घर पर फाइल लेके आता हूँ, अपलोड करता हूँ जल्दी, 10 ही बजे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं पहले घर और फाइल लेके आता हूँ जल्दी से। मैं हूँ फिलहाल अभी अपने ऑफिस में, और लास्ट टाइम मैंने बताया था कि मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है, मैं फाइलें लेके आया था जो मैंने वीडियो एडिटिंग करा था। तो एक्चुअली सुबह से अभी पता टाइम कितना हो रहा है, अभी बज रहे हैं 15:17 हो रहा है, मतलब 3:15 हो रहा है, 3:17 हो रहा है, और मैं हूँ अभी ऑफिस में, घर गया था मैं, और सुबह से लाइट ड्रामे कर रही है, सुबह से लाइट ने दिमाग ख़राब कर दिया मुझे। मैंने कल रात को फाइल ले लेना चाहिए था यार, फाइल लेके आया, अभी तक मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा है, 3:30 ऐसे बज गए। लेकिन हाँ माल मैं लेके आ चुका हूँ, सारा माल हो गया, लेकिन मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रहा,
क्योंकि वहाँ घर पे मेरे कंप्यूटर है और कंप्यूटर में जब लाइट नहीं आएगा ऑन होगा नहीं, मतलब कुछ मतलब दो फेज है वहाँ पे लाइट आने का, दो वायर्स है, एक वायर में लाइट आ रही है एक में नहीं आ रही, जिसके और ऊपर वाले में मेरा है जिसमें आ नहीं रही है, उससे कनेक्शन मेरा हो रखा है घर का, तो लाइट ही नहीं आ रही, तो ये दिमाग ख़राब होता है, पता नहीं कैसे हो पाएगा। शाम को मैं एक बार और कोशिश करूँगा, क्या पता आ जाए, अपलोड करूँगा भाई। बाकी सारा माल जो है रेडी हो चुका है और माल जा भी चुका है मेरा, आराम से सारा चीज़ हो गया, बस फ्लिपकार्ट पे बचा हुआ है। 3:30 बज रहे हैं, 4 से 6 की टाइमिंग है, इसलिए मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और लिस्टिंग तो मैंने कर दिया था, लिस्टिंग सारा काम हो गया था, और दिल्ली में भी लाइट नहीं आ रही थी, अभी आई है थोड़ी देर पहले, और यूपी में तो आई नहीं थी भाई, तब से सुबह से बहुत दिक्कत हो रहा है, तो बस अभी लिस्टिंग वाला काम मैंने ख़त्म कर दिया था, कल की तैयारी कर रहा हूँ मैं अभी, और आई होप घर पे भी आ जाए लाइट, जिससे कि मैं वीडियो अपलोड कर सकूँ, सारा मेन मोटिव ये है। और फाइल मेरा उसी वाले कंप्यूटर में है, अगर लैपटॉप होता तो मैं यहाँ पे लाके आराम से कर देता, पर लेकिन पूरा सीपीयू उठा के लेके आना पड़ेगा यार, इतना आना जाना बहुत दिक्कत होती है, तो बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ, जैसी आएगी लाइट जैसी अपलोड करूँगा तुरंत अपडेट देता हूँ। फिलहाल अभी बाकी कल के काम स्टार्ट कर देता हूँ, और एक बार दोबारा अपडेट करता हूँ कि मैंने कौन कौन से अभी तक ब्रांड कंप्लीट कर दिए। तो ये काम कर रहा था मैं महिंद्रा पे, ठीक है, महिंद्रा मोजो 300, ठीक है, ये रहा। तो मैंने कितने ब्रांड कर, मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, मैंने इतने सारे ब्रांड कंप्लीट कर देता हूँ, चेक करते रहो गिनते रहो। TVS कर दिया, हीरो कर दिया, होंडा कर दिया, बजाज कर दिया, ये यामाहा कर दिया, सुजुकी कर दिया, ये बेगास कर दिया, ठीक है, बस ये रॉयल एनफील्ड रह गया और KTM रह गया, जावा रह गया। इनको मैं यूँ नहीं कर रहा क्योंकि इन सब के कवर एक हो जाएंगे, लेकिन इनके साइज़ इसका और KTM का साइज़ बिल्कुल अलग आता है, ठीक है, मैं सिर्फ इस चक्कर में नहीं कर रहा। अभी मैंने सब छोड़ दिया, अभी इसको भी जावा का भी छोड़ दिया, जावा का भी बाइक बिल्कुल बुलेट की तरह ही आता है, ठीक है। तो अभी काम कर रहा हूँ मैं महिंद्रा पे, फिर उसके बाद हीरो इलेक्ट्रिक पे आ जाऊँगा मैं, हीरो इलेक्ट्रिक, फिर हैली डेविडसन तो नहीं हो पाएगा साइज़ से, अभी पहले महिंद्रा स्टार्ट कर दो, महिंद्रा स्टार्ट कर दिया है मैंने, ठीक है। महिंद्रा के ये कुछ मॉडल्स है, बस ये बाइक और इस कार अलग अलग करूँगा, महिंद्रा मोजो 300, महिंद्रा सेंट्रो, एक अस्ट्रो, महिंद्रा सेंट्रो, ज़्यादा मॉडल नहीं बनाया यार इसने, एक ही को दोबारा रिलॉन्च करता रहा, बस उसका CC बढ़ा दिया, तो बस इनको इसकी स्टार्टिंग करो महिंद्रा वालों की। पता नहीं बाइक्स कैसे बनाते हैं, लेकिन ठीक ठाक ही लग रहे हैं यार देखने में, तो ये कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा है ये वाला। तो जल्दी वाला काम ख़त्म करता हूँ मैं, कल इसकी लिस्टिंग होगी, तो आज से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं तैयारी करना इसकी। बस बाकी सारा माल जा चुका है, सिर्फ फ्लिपकार्ट का रह चुका है, वो कोने में दिख रहा होगा उधर, ये रहा इधर रखा हुआ फ्लिपकार्ट का, बाकी सब हो चुका है। बाकी ये कैसे रह गया, ये पैक करना है, इसको पैक कर लेता हूँ मैं, एक पीस रह चुका है यहाँ पे, इसको जल्दी पैक करता हूँ मैं। भाई महिंद्रा का काम चल रहा था मेरा, अभी मैंने बाइक का ख़त्म कर दिया था, मैं स्कूटर पे भी जा रहा हूँ अभी फ़िलहाल, स्कूटी पे भी काम चल रहा है, महिंद्रा के सारे ब्रांड पे काम चल रहा है फ़िलहाल अभी। हाँ क्या बता रहा था, ये सारे ब्रांड में मस्त मस्त काम चल रहा है, तो अभी मैं बता रहा था ये आज डेट क्या है, 10 तारीख और फेब का महीना 2023, ठीक है, आज से ठीक 7 दिन बाद, हाँ 17 तारीख को, आज 10 तारीख है, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा शायद 12 तारीख को, तो 17 से 19 दो दिन सेल चल रही है मीशो पे, ठीक है। अब मैंने पार्टिसिपेट भी कर लिया है, सेल कैसे चल रहा है वो दिखा रहा हूँ मैं एक बार, मैं अपना पैनल खोल के डायरेक्ट दिखा देता हूँ कि सेल कैसा है, ठीक है, अब चेकआउट कर सकते हो, दिख रहा है ये डेट 17 to 19 फेब महा होली सेल, होली का सेल चल रहा है, मैंने भी पार्टिसिपेट करा है, देखो 2.5 times मोर देन ऑर्डर्स, मतलब ये तो मेरे लिए है भाई, तुम्हारे लिए नहीं है, ठीक है। 17 से 19 सेल है महा होली सेल, मैंने कंफर्म कर दिया है, मैंने अपने जितने प्रोडक्ट हैं, मेरे 12,000 प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, ठीक है। लास्ट डेट मेरे पास 13 February थी, आज है 10 February, तो मैंने पार्टिसिपेट कंफर्म कर दिया है सेल में 17 to 19, मैं भी बिल्कुल 20% का सेल दे रहा हूँ, ठीक है। अब चेकआउट कर सकते हो कितना मिलेगा ऑफर, अभी मैं दिखाता हूँ कि अगर आपको अपना बाइक कवर मंगवाना है, मैं एक्चुअली बाइक कवर सेल करता हूँ, बाइक और कार कवर सारे वैरायटी के आ रहे हैं, अभी और भी ला रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी महिंद्रा का स्टार्ट करा है ऑलरेडी है, लेकिन और मैं नए नए वैरायटी के और ले कवर लेके आ रहा हूँ, क्योंकि नए नए बाइक्स लॉन्च होते रहते हैं ना, तो मैं फिलहाल अभी ओपन करके दिखा देता हूँ मीशो, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया और इसमें कुछ नहीं लिखना,
आप जैसे आपने अब मीशो का पैनल ओपन करा है, फ़ोन में करो, क्रोम में करो, कहीं भी करो, ठीक है, लिंक भी दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। और लिंक नहीं, अगर लिंक से काम नहीं होता आपको सर्च करके देखना है ब्रांड है, जेन्युइन ब्रांड है, तो आप डायरेक्ट मीशो खोलो, मीशो का ये सेलिंग पैनल मतलब परचेसिंग पैनल, यहाँ पे जितने जो प्रोडक्ट दिखते हैं, ठीक है, ऊपर सिंपल लिख दो ये गुरुकुल मार्ट, ये दिख रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन, मैंने सर्च भी कर रखा है पहले से, फोकस हो जा, हाँ ये गुरुकुल मार्ट लिख दिया मैंने, सिंपल गुरुकुल मार्ट, GURUKULMART, गुरुकुल मार्ट लिखते ही ये नीचे जितने प्रोडक्ट आएंगे ना ये सारे प्रोडक्ट मेरे हैं, ठीक है। अब चेकआउट कर सकते हो, तो रेटिंग चेक करो, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए इसलिए अभी ज़्यादा लिस्टिंग में रेटिंग नहीं है, लेकिन रेटिंग चेक कर सकते हो जितने भी है, 4.4 रेटिंग, और ये तो इस प्रोडक्ट की 4.4 रेटिंग है और पूरे पैनल की 4.4 रेटिंग चल रही है, ठीक है, आप चेक कर सकते हो पूरा ऊपर से नीचे तक जितना भी आएगा सारा मेरे प्रोडक्ट से। अब मैं बता रहा हूँ बाइक या कार कवर इन सारे वैरायटी क्या रहे विद माय ब्रांडिंग, कवर में बिल्कुल मेरा ब्रांड होता है, जैसे ये लिखा हुआ है ना गुरुकुल मार्ट, ये फोकस नहीं हो रहा, हाँ ये गुरुकुल मार्ट लिखा हुआ ना वाइट कलर का, फोटो में दिख नहीं रहा होगा, अभी दिखाता हूँ, नहीं ओपन नहीं होगा पूरा, तो ये गुरुकुल मार्ट आ गया। अब आपको मेरे पूरे प्रोडक्ट्स देखने हैं तो ये चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे सारे कवर्स मिल जाएंगे मेरे जितने भी है ना, 197 है, वैसे तो 12,000 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ठीक है, सारे मिल जाएंगे, बाइक कवर, कार कवर, सब वैरायटी का सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। एक बार कार कवर भी दिखा देता हूँ, अगर ये लोड हो जाए तो, लोड लेने में टाइम ले रहा है, हाँ ये रे कार कवर भी वैरायटी का है, ये कौन सी कार है, ये है, ये शायद सिंपल कार लग रही है मेरे, ये रहा ग्रैंड आई टेन की वैरायटी का यही है, ठीक है, विद माय ब्रांड लोगो के साथ, ये लोगो भी है, लोगो मिल जाएगा, तो ये सिर्फ ब्लैक नहीं सारी है, आप एक बार वेबसाइट में जाकर जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ, 17 से 19 फेब महा होली सेल आने वाला है मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे चल रहा है, फ्लिपकार्ट का मैं अभी याद नहीं है मुझे, कब स्टार्ट हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन मीशो पे चल आने वाला है, तो 5 दिन पहले मैंने बता दिया, 17 से 19 सारे सेलर पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने तो कन्फर्म कर ही दिया, जैसे कि मैं बता रहा हूँ दोबारा दिखा रहा हूँ, 17 से 19 है, ठीक है, ठीक है, बहुत सारे सेलर ने ये सेलर्स का मेरा सेलर का पैनल है ना, तो सेलर जो है 3.5 करोड़ कस्टमर्स एक्सेप्टेड, मतलब सब ने पार्टिसिपेट कर चुके हैं ऑलमोस्ट, मेरे पास भी 12,000 कुछ प्रोडक्ट थे, सारे मैंने पार्टिसिपेट कर लिए, ठीक है, कन्फर्म है, देख सकते हो, तो पूरा प्रूफ दे रखा है मैंने, फिलहाल अभी ये वाला काम तो मेरा खत्म हो गया, एक बार 17 से 19 को चेकआउट जरूर कर लेना, और लिंक दे रहा हूँ मैं बाइक और कार कवर का, वहाँ भी चेकआउट कर लेना, अगर लिंक नहीं हो तो गुरुकुल मार्ट इजीली सर्च करना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मीशो पे, कहीं पर भी गुरुकुल मार्ट लिखोगे मेरा सारे ब्रांड आ जाएंगे, और जहाँ गुरुकुल मार्ट लिखा है वो सारा मेरा ब्रांड है, क्योंकि मेरा रजिस्टर्ड ब्रांड कर रखा है, मैंने रजिस्टर करवा रखा है ट्रेडमार्क के साथ, ठीक है। फिलहाल अभी एक दिक्कत ये है, अभी बच रहा है कितना टाइम हो रहा है, 5:10 हो रहे हैं, नहीं 12 मिनट हो रहे हैं, 5:12 हो रहे हैं, और 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करा है क्योंकि घर पर लाइट नहीं आ रही, अभी मैं जा रहा हूँ घर पर, घर वाला फ़ोन भी मैं यहीं ले आया था, तो मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो घर वाला फ़ोन भी यहीं पे, देखो 2 मिस कॉल मार चुका हूँ मैं, ठीक है। फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, देख रहे हैं वहाँ पे लाइट आ रही नहीं आ रही, आती है तो फिर दोबारा फाइल लेके आऊँगा, फिर वीडियो अपलोड कर दूँगा, तो अभी चलते हैं घर। फाइनली लाइट भी आ रही है घर पे और फाइल भी ट्रांसफ़र हो रहा है, और अभी 17:44 हो रहा है, मतलब 5:30-6 बजने वाला है। तो भाई मैं था ऑफिस में और सारा काम ख़त्म हो गया, लेकिन लाइट जा चुकी है, चेकआउट कर सकते हो, लाइट जो है नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। सबसे पहला काम ये कुछ पैकेट्स हैं, चाय पत्ती के पैकेट है, 1, 2, 3, 4 पैकेट है, ये मैंने पैक कर दिया, ठीक है, चाय पत्ती 120 रुपये किलो बेचता हूँ मैं, ये 4 पैकेट जाना है, ये पैक हो चुका है, 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड हो रही थी, दोनों वीडियो अपलोड कर दिया, एक शेड्यूल के लिए कल के लिए और एक अपलोड कर दिया यूट्यूब फेसबुक दोनों पे, और थर्ड काम मेरा था GST फाइल करना, मैं ऑनलाइन सेलिंग करता हूँ तो हर 10 तारीख को GST फाइल करना होता है, CA को भेजता हूँ मैं एक्चुअली, तो बहुत सारी फाइल होती है, तो वो सारी डाउनलोड करके मैंने CA को भेज दिया, काम हो गया, वीडियो मैंने अपलोड कर दिया कल के लिए शेड्यूल के लिए, वो भी काम हो गया,
और पैकेजिंग था थोड़ा, माल ऑर्डर आया था वो भी पैक कर दिया, और ये काम ख़त्म होते लाइट चली गई, लाइट नहीं आ रही भाई। अब यूपी में लाइट आ रही है, दिल्ली में लाइट चली गई, और मेरे फ़ोन में भी चार्ज नहीं, 20% चार्ज है। अभी चलते हैं घर, वहाँ पे लाइट आ रही है, आराम से वहाँ जाके चार्ज कर देता हूँ फ़ोन को। भाई फाइनली मेरा एडिटिंग वाला भी काम ख़त्म हो गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि लाइट आ रही थी तो एडिटिंग वाला काम ख़त्म हो गया। ठीक है, थोड़ा सा रह रहा है बस, इसको एक्सपोर्ट में लगाना है। और ये असाइनमेंट का मैंने कितना काम कर लिया, कल भी मैंने 8 क्वेश्चन तक कर लिया था, यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन रह रहा है, फिर ये भी पूरा असाइनमेंट कम्प्लीट हो जाएगा 10 वाला। ठीक है, 9 क्वेश्चन कैसे रह रहा है एक बार दिखा देता हूँ मैं, कहाँ है 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन बहुत बड़ा था, ये रहा ये तो 7th है, ये रहा 8th क्वेश्चन, ये रहा व्हाट इज मीन बाय द प्राइसिंग। ठीक है, ये मैंने ब्लू पेन से कर दिया ऐसे, तो 8th क्वेश्चन क्या, ये रहा 8th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय द प्राइसिंग। तो 8th क्वेश्चन तक हो गया, 9th वाला करूँगा ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं 12th वाला करूँगा, 11 अभी इसको छोड़ूंगा क्योंकि इसमें बहुत सारा है। ठीक है, ये 12th वाला अभी पकड़ूंगा मैं, 2 क्वेश्चन पर डे कर रहा हूँ, कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी, और इसको लगाता हूँ एक्सपोर्ट में, और इस वीडियो को भी यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, और डेली मैं अपडेट देता रहूँगा अपना असाइनमेंट का। अगर आपको भी असाइनमेंट का कोई सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, पूरा हेल्प करूँगा।